चैप्टर 4 के जो एमसीक्यूज हैं पास्ट पेपर्स के, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल्स टू ट्वाइस इट रेडियस विल बी। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उसका जो एंगल बनता है, थीटा, ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, तो थीटा क्या होगा, एस अपॉन आर। अब वो कह रहा है आर एस आर लेंथ रेडियस के ट्वाइस है, एस बराबर हो गया 2R अपॉन ये आर है, आर से आर क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2 रेडियन। एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करके 57.3 से 2 रेडियन में कितना भी 114.6 डिग्री, ठीक है। 18 में आ जाओ, तो 18 में डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा की बात कहते हैं एक्चुअल में कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है, या है तो रेडियन के रसायन में लोगों की, लेकिन डायमेंशन में थीटा को शामिल नहीं करते, रेडियन को, रेडियन छोड़ दिया, अपॉन में सेकंड आ गया, ऊपर वन आ जाएगा, 1.2 या 1.3 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा टी माइनस, तो सिर्फ टी माइनस वन है, एम और एल के ऊपर क्या जाएगा जीरो, ऑप्शन दिया है, एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकंड। हमने बुलेट फायर की सीधी हॉरिजॉन्टल का मतलब है आपने वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो वेलोसिटी होती थी ना, एक एक्स एक्सिस में एक, तो हमने कह रहा आपने फेंका तो इसको सीधा है लेकिन नीचे तो हो ही जाएगा, ये जो आपने इसको फेंका है यही इसकी इनिशियल टोटल वेलोसिटी की है, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, तो 2 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होती है, क्या होती है, सेम होती है, तो ये 2 सेकंड बाद भी है, वर्टिकल चेंज होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती जब ये फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। उदाहरण 17 में देखें, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक में 3 सुइयां होती है ना, सेकंड, मिनट और आवर, इसको उसको हैंड कहते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड क्या हो गया, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला थीटा अपॉन टी, मिनट की स्पीड जब एक चक्कर पूरा करेगी तो 2π रेडियन हो जाएंगे, थीटा कितना हो जाएगा, एक चक्कर के लिए थीटा कितना होगा 2π, लेकिन मिनट की स्पीड एक चक्कर कितने देर में पूरा करेगी, मिनट की स्पीड 12π, दोबारा 12π कितनी देर बाद आएगी, 60 मिनट बाद, और 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 3600, सही है, तो 2π रेडियन हो गया चक्कर में और 3600 सेकंड हो गए, 2 से 3600 कैंसिल हो जाएगा, 1800 बच जाएगा, क्या हो गया पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। फिर इसी में एक और है 1-8, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी विल बी मिनिमम, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम कब होती है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाता है, जीरो, द हाईएस्ट पॉइंट। When the angular
एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर। एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगे? पैरेलल हो गया, समझाया था। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। पेन में नहीं, अच्छा रिमन लेसन, ये तो मॉडल पेपर में भी आया था। सेवन में हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ऑन, रेंज किस पर डिपेंड करती थी? वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, एंगल पे भी डिपेंड करती है और जी पे भी। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ देम मॉडल पेपर में था ना यार, ये याद नहीं है। तो हम 9 में देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हैविंग अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। It will have the same angle if thrown with the same velocity as before at the angle. Projectile की range दो angles के लिए same हो सकती है, हमने numericals किए थे। 90 से छोटे angle को हम कहते हैं minimum और 90 से बड़े वाले को हमने कहा था maximum। तो एक angle जब दिया हुआ तो दूसरा निकलता कैसे? 90 में से minus करके। अब हमें 30 दिया हुआ तो 90 में से इसको minus करेंगे, 90 minus 30 क्या हो जाएगा? 60। ठीक है। 2008 में देखें, एन एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर हूज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। अब कहते हैं आर की लेंथ रेडियस ही के बराबर हो गया, तो आर अपॉन आर क्या हो गया? 1 रेडियन। और 1 रेडियन क्या होता है? 57.3। अच्छा फिर इसी में 3A1, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन क्या होगा? रेंज ऑफ ए विल बी ग्रेटर, ए की रेंज ज्यादा होगी, बी विल बी ग्रेटर, बी की ज्यादा होगी, रेंज सेम होगी, सेम होगी ना। अब यही तो समझा है, 30 और डिग्री दोनों 60 दोनों पर रेंज क्या होगी? सेम। दोनों को प्लस करेंगे अगर 90 आंसर आएगा तो रेंज क्या होगी? सेम। तीसरा ऑप्शन, रेंज विल बी सेम। फिर आगे 4A3, A body is moving along circular path is at an increasing speed. एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सल स्पीड की बात कर रहे हैं। एक प्रोसेसेस मैंने बताया था, जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है उसकी डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही होती है? चेंज। डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीमीटर। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीमीटर। एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा और जब इसकी स्पीड चेंज हो रही थी तो टेंजेंशियल भी होगा, तो बोथ होगा। आप सही कह रहे हैं, बोथ एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो होगा।
चेंजिंग, पहला ऑप्शन मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। मोशन ऑन अ कर्व पाथ व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द अदर इज वेरिएबल इज कॉल्ड, एक ऐसा मोशन जो कर्व में हो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कांस्टेंट और दूसरा चेंज हो रहा हो, प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अभी तो वाई एक्सिस की चेंज होती है, प्रोजेक्टाइल एक 46.5 आ जाएगा, ठीक है।
उधर मैं टू पी जी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम पीरियड की फॉर्म में पूछ रहा है। देखो ये निकाल लिया कि आर ओमेगा, ओमेगा होता है टू पाई अपॉन टी, तो अगर मैं ओमेगा की जगह रख दूं टू पाई अपॉन टी, इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आर टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, ये आर पहले लिख रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, फोर पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। लास्ट होगा टू प्री मेडिकल, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री विद 100 मीटर पर सेकंड, रेंज विल बी डबल, रेंज को डबल करने के लिए आपको वेलोसिटी को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, बस अंडर रूट 2 1.414 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री क्या हो जाएगा 141.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ये रिड्यूस सिलेबस के एमसीक्यू सारे के सारे चैप्टर 4 समझे हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम चैप्टर 10 में फोकस करेंगे और एमसीक्यूज के लेक्चर में आपको भेजता रहूंगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये अगर आप लोगों का मिस हो गया 26 तारीख तक सारे आपको इंशाल्लाह।